परवारी साथ है। मैं जियागुड़ा इस दलित संभाग में आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान नित्यानंद राय जी का हृदय पूर्वक जियागुड़ा दलित संभाग में आपका स्वागत करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री काफी होनहार नेता है। इन नेताओं के आज अनुसूचित जाति मोर्चा कारवान विधानसभा क्षेत्र क्षेत्र इस दलित संभाग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी के सहमंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक अच्छे नेता यशस्वी नेता श्री नित्यानंद राय जियागुड़ा के इस संभाग में इस दलित संभाग में कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती श्रीमान नित्यानंद राय जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हो ये कैसे होनहार नेता है। बिहार प्रदेश से आते हैं ऐसे होनहार नेता केवल एक ही एक पार्टी में मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। बंधुओं समय काफी कम है अब तक काफी है मुख्य अतिथि को भी बोलना है। मैं कारवां विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। श्रीमान मंत्री महोदय जी कारवां विधानसभा क्षेत्र पुराने शहर में आता है जिसका विधायक भी एमआईएम से आता है और जिसका सांसद भी एमआईएम से आता है। भारतीय जनता पार्टी गोलकुंडा के किले पर आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार लहराएगी। हम आपको आश्वासन देते हैं बंधुओं भाई ठाकुर अमर सिंह जी कारवां विधानसभा क्षेत्र के जब से प्रभारी बने हैं आज कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा है एक शक्ति है इन युवाओं को लेकर भाई ठाकुर अमर सिंह जी चल रहे हैं। इस दलित संभाग में जियागुड़ा के पूर्व पार्षद आदिराला मुनिंदर जी 2002 में पार्षद रह चुके हैं। आज उन्होंने जिस क्षेत्र से मंत्री महोदय जी की गाड़ियां चल रही थी जो आज ये काफिला इस अम्बेडकर भवन ऐतिहासिक डबल बेडरूम इस ऐतिहासिक क्षेत्र में महोदय जी पधारे हैं गृह राज्य मंत्री इस क्षेत्र का जितना भी डेवलपमेंट किया है एक गरीब कारपोरेटर पूर्व कारपोरेटर आदिराला मुनिंदर जी जिसको रहने के लिए मकान नहीं है लेकिन 12 करोड़ का कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बजट से उन्होंने 12 करोड़ का 2002 में कार्य किया। यह ऊर्जा होती है भारतीय जनता पार्टी की। आने 2023 में माँ बाप बेटे की ये जो सरकार कैसी आती की चल रही है दलितों को लेकर जमीन की बात करता है दलितों को दलित बंधु का रूप 10 लाख का आश्वासन देता है और यहाँ तक कि तेलंगाना का जैसे ही गठन होगा हम मुख्यमंत्री भी दलित को बनाएंगे लेकिन दलितों के साथ सिर्फ छल किया है कपट किया है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दलित को देश के सर्वप्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनाते हैं। आज इस सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती है आज वह एनडीए की उम्मीदवार के रूप में देश की महिला और पिछड़ी जाति की अनुसूचित जाति की एक महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। ये ऊर्जा ये संकल्प सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सभी के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तो माँ बेटे की पार्टी को तो भूत स्थापित कर ही दिया है। आज केसीआर भी 2023 में यहाँ से उनका भोजा बिस्तर गोल होगा और गोलकुंडा किले पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार लहराएगा। इतना करते हुए मुझे जो सभा अध्यक्ष ने मुझे समय दिया मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी और हमारे सारे कार्यक्रम को हम सबको हमारे को
एक शक्ति देने के वास्ते मोदी जी ने जो ताकत को यहाँ पर भेजा है वो नित्यानंद राय जी उनको सारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों आज का दिन एक इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों से लिखने वाला दिन है। बल्कि मैं थोड़ा मोदी जी ने हमारे जो होम मिनिस्टर को जो कार्बन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भेजा है वो 2023 के अंदर तेलंगाना के अंदर जो गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बन रही है उसको वो कैसे हम करना है। और कार्बन में जो गोलकुंडा कार्बन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे बंडी संजय जी, लक्ष्मण जी, किशन रेड्डी जी गोलकुंडे के ऊपर झंडा चढ़ाना हमको झंडा चढ़ाना है तो सबसे पहले कारवान असेंबली के अंदर हैदराबाद के अंदर जो रजाकारों की हुकूमत चल रही है, जो निजाम की रजाकारों की एमआईएम की हुकूमत चल रही है उसको हमको खत्म करना है। तो पहले मेरे एससी भाइयों का और मेरी महिला बहनों का सबसे पहले सबसे हम आपके साथ ये बताने के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं आने वाले इलेक्शन हमारे 23 में होंगे, जनरल इलेक्शन 24 में होगा, फिर ये सारे यहाँ पर आकर डेरा डालेंगे 23 के अंदर यहाँ बैठेंगे, हम सबको एक नई प्रेरणा देंगे, नई ताकत देंगे और हम यहाँ से रजाकारों की हुकूमत को खत्म करेंगे। भाइयों अगर हम हिंदुस्तान के अगर हम अगर तेलंगाना में हम सब पहले के सपना है हमारे नौजवानों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे सारे हिंदू हमारे तेलंगाना में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना होगी और सपने को साकार करने के लिए सबका आशीर्वाद ऐसे बड़े लोगों का तो मिलेगा और सबसे बड़ी शक्ति आप सब कार्यकर्ता हम एक एक कार्यकर्ता बन के आने वाले इलेक्शन में अभी हमको बहुत बोलना है, बहुत करना है और आने वाले इलेक्शन में हमारी सरकार को है ना सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। जो समय दिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए माननीय श्री मंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूँ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे ऐसा आओ ना जी भाई, क्या हो रहा है सर, एक सेकंड चल रहा है इधर देखिए, चलो सब काना है ना भाई। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भवन बनाए उसका आपने भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद आप लौटे हैदराबाद लौटे में तो हैदराबाद के आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैं क्यों पूछा, अभी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। उसमें से कितने अनुसूचित जाति के भाइयों को अम्बेडकर भवन के विषय में और मोदी जी के 5 तीर्थ स्थान जो अम्बेडकर जी के नाम पे बनाया गया है कितने अनुसूचित जाति के भाइयों को आपने अब तक बताया? सबसे पहले मैंने अपने परिवार को बताया। सोच समझ के बोल रहा हूँ आगे इसका एक और काम है। सोच समझ के बोल रहा हूँ सर, पहले मैं अपने परिवार को बताया हूँ कि इतने वर्षों के बाद देश के नहीं नहीं आप वर्षों के बाद भाई भाई साहब हाईवे की तरफ से ठीक हो रहे, कितने लोगों को आप ऐसे बोले परिवार समेत, कितने परिवार समेत हमारी जियागुड़े में 2 मोहल्ले हैं तकरीबन मैंने 25 से 50 लोगों को हो गया 25 से 50, उसमें से 50 लोग का नाम लिखिए और उसमें से 25 लोगों को परसों की सुबह की चाय का अंतिम कार्यक्रम यही हो। परिवार से तो आप आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि परिवार के ही 5 लोग हो जाए,
एक परिवार से चार छोटे जी 25 बाबा साहेब बिहार अम्बेडकर बाबा साहेब बिहार अम्बेडकर जोहार अम्बेडकर जी हम स्वागत करते हैं हमारे बीच यहाँ आज आप लोग 2 और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और यह सौभाग्य तेलंगाना हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। हर राज्य चाहता है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हमारे यहाँ हो। तेलंगाना को मिला है, हम लोग के लिए गर्व की बात है। 2 दिन पहले हम लोग आए हैं और पार्टी का आदेश हुआ है। आप सब जानते हैं कि आज जिस कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के इसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ हम संवाद में हैं या बैठक में। तो इस बैठक में उपस्थित श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी जो जिया गुंडा के अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के प्रभारी नरसिम्हा जी और हम सबके मुख्य प्रत्याशी कमान के प्रभारी ठाकुर अमर सिंह साहब गोवर्धन ए मुनिंदा जी पूर्व पार्षद सतीश बिरला जी एससी मोर्चा के नेता पूर्ण चंद्र राव जी श्रीकांत जी सभी एससी मोर्चा के हमारे नेतागण विक्रापान जी सत्यनारायण जी शिवरत्नम जी सूरज बिरला जी और इस करवान विधानसभा के जिया गुंडा संभाग अम्बेडकर भवन में एससी मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बंधुओं जो भी हमारे कार्यकर्ता जो भी सभी एसटी मोर्चा के जो दलित मोर्चा के कार्यकर्ता है सभी को मेरा अभिनंदन। एंड आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित है इसका मेन उद्देश्य जो हमारे आदरणीय मोदी जी जो कार्यक्रम हमको दिया है वो नेशनल लेवल जो मीटिंग होने वाला है राष्ट्र सभा जहाँ सभा लेने में जरूरत नहीं हो ఆ సభను మనం విజయవంతం చేయాలంటే అంటిల్ ద లాస్ట్ పర్సన్ అంతిమ వ్యక్తి వరకు కూడా సభ్య అంతిమ వ్యక్తిగా మనం ఏదైతే మోడీజీ మనకి స్కీమ్స్ ఇచ్చారో ఇప్పుడు దళిత మోర్చ ఉంది మోడీజీ ఇప్పుడు చూడండి రియల్లీ దిస్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అనుకోవచ్చు మన ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కూడా రామ్నాథ్ కోవింద్ ఆల్సో ఇస్ ద రిలేటెడ్ టు బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు కూడా మోడీజీ అదే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చేస్తున్నారు అయితే బీజేపీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే క్రమశిక్షణ సో అదే క్రమశిక్షణ అదే పద్ధతి మనం తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రియల్లీ ఇప్పుడు మనకి కన్వీనర్ అన్న చెప్పినట్టు దిస్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ మనందరికీ కూడా పెద్ద ఛాలెంజ్ హైదరాబాద్ లో బీజేపీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది మళ్ళీ గోల్కొండలో కాషాయ జెండా ఎగరవేయాలి అంటే మనమందరం కూడా ఏకత్రితమై మన యొక్క మోడీజీ యొక్క స్లోగన్ ఏదైతే ఉందో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అండ్ సబ్కా విశ్వాస్ ప్రతి ఒక్క అంతిమ వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం గెలవాల వాళ్ళందరికీ మోడీజీ యొక్క స్కీమ్స్ ని మనం అండర్స్టాండింగ్ చేపియాల అప్పుడే వాళ్ళందరూ జస్ట్ నేర్చే కాకుండా మోడీజీ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమము మనం వాళ్ళకి అర్థం చేపిస్తే తప్పకుండా మరొకసారి మన కార్మిక నియోజకవర్గంలో తప్పకుండా మన అన్నయ్య గారు ఎవరైతే ఉన్నారో అమర్ సింగ్ అన్న గారు వాళ్ళని మరొకసారి మనం గెలిపించుకోవచ్చు అందరికీ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और यह सौभाग्य तेलंगाना हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। हर राज्य चाहता है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हमारे यहाँ हो।
तेलंगाना को मिला है, हम लोग के लिए गर्व की बात है। दो दिन पहले हम लोग आए हैं और पार्टी का आदेश हुआ है। आप सब जानते हैं कि आज जिस कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के इस मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ हम संवाद में हैं या बैठक में। तो इस बैठक में उपस्थित श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी, जो जिया गुंडा के अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के प्रभारी नरसिम्हा जी, और हम सबके मुख्य प्रत्याशी कमान के प्रभारी ठाकुर अमर सिंह साहब गोवर्धन, ए मुनिंदा जी पूर्व पार्षद, सतीश बिरला जी एस सी मोर्चा के नेता, पूर्णचंद्र राव जी, श्रीकांत जी, सभी एस सी मोर्चा के हमारे नेतागण, विक्रापान जी, सत्यनारायण जी, शिव रत्नम जी, सूरज बिरला जी, और इस करवान विधानसभा के जिया गुंडा संभाग अम्बेडकर भवन में एस सी मोर्चा के सभी